बदल जाता है। मिनट तक भून लेंगे। इसे डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। जरूर डालने का टुकड़ा है, इसको भी हटा देंगे। लग रहा है मटर पनीर रेडी हो चुका है। इसी तरह नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है, वो भी मैं बनाऊँगी चूल्हे पे। तो चूल्हे पे बनी हुई रेसिपी जो होती है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है, खास करके सब्ज़ी। तो हम लोगों ने तो बचपन से खाया है चूल्हे वाली सब्ज़ी, तो कितना भी गैस पे बनाते हैं पर उतना पसंद नहीं आता जितने चूल्हे वाले की। आप लोगों में से किसको किसको पसंद है चूल्हे पर का खाना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो देर न करते हुए चलते हैं बनाने। अगर रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भी कुछ आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सारे प्रिपरेशन कर लिए हैं, ये देखिए सारे कुछ लगा दिए हैं। और चूल्हा जो है ना हमारा काफ़ी दिनों से भींग रहा था, मतलब ऊपर से पानी आता है तो ये भींग जाता है, मैं कितनी बार बताऊँ, हर वीडियो में बताती हूँ। तो काफ़ी मुश्किल से मैंने चूल्हा पकड़ाया है, बहुत पहले से मैंने पकड़ा के रखा था ताकि इसका पानी जो है ना सूख जाए। थोड़ा सा तो मुश्किल हो रहा है पर कोई बात नहीं, चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं, बर्तन का कोई इशू नहीं है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल के जगह पे आप रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी तेल आपको पसंद है उसको डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सब्ज़ी होती है ना वो सरसों तेल में ही बनाई जाती है। तेल को मैंने डाल दिया है, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से फैला देंगे और यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। तो इसको मैंने थोड़ा से बड़े बड़े टुकड़ों में रखा है, आप चाहे तो अपने पसंद अनुसार छोटे बड़े टुकड़े रख सकते हैं। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, अच्छा सा कलर के लिए, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। ये दोनों ऑप्शनल है डालना, पर डालने से काफ़ी अच्छा सब्ज़ी में कलर आएगा और पनीर में भी अच्छा सा कलर आएगा। पनीर फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से फ्राई करना है, आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा कम कर सकते हैं। गाइस धुआं आ रहा है, थोड़ा सा चूल्हा भीगा है इसलिए, तो ये थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, धुआं के वजह से मेरी आंखें जो है ना थोड़ी सी बंद हो जा रही है। चार से पांच काजू है, ये टोटली ऑप्शनल है पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहे तो काजू का पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं इसमें। तेल के साथ निकाल लेते हैं, फिर से तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मटर पनीर में, तभी सब्जी जो है ना अच्छी दिखती है। हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले, एक तेज़पत्ता तोड़ के डालेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 2 इलायची, 1 जावित्री, सूखी लाल मिर्च डालेंगे, इसमें जीरा, हींग। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। तो गाइस प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो यहाँ पे कटा हुआ प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्याज पेस्ट डालने से ना ग्रेवी जो होती है बहुत ही रिच बनती है। तो ये सब भून लेते हैं। प्याज जो है ना भून गया है, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी भून लेंगे। अदरक लहसुन भून गया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, आप लोग चाहे तो रोस्ट करके लास्ट में डाल सकते हैं।
और इसे भी थोड़ा सा हम भून लेते हैं। कसूरी मेथी भी भून गया है। यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए, तीखी लाल मिर्च एक चम्मच, धनिया पाउडर हम डालेंगे करीब डेढ़ चम्मच, जीरा पाउडर डालेंगे हम एक चम्मच और इसे हम भून लेंगे। ये सूखे मसाले हैं इसलिए इसे भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा से एक मिनट में ये भून जाता है। काला भून गया है ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी, साथ में हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, मसाला हमारा भून चुका है, तेल भी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगा है, ये देखिए साइड साइड से तेल जो है ना निकलने लगा है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी मसाला, डालेंगे हम ये मटर, ये फ्रोजन मटर है तो बहुत जल्दी गल जाता है। इसे ढक कर दो मिनट पकाते हैं। दो मिनट हो गया है, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना। इसे मिक्स करते हैं। टेम्परेचर अभी थोड़ा सा लो है, यहाँ पे हम डाल लेंगे फ्रेश दही। आप चाहे तो दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, फुल क्रीम। तो इसे मिक्स कर देती हूँ और दही फटे ना इसलिए बहुत जल्दी जल्दी चलाना होता है। आप चाहें तो इसे नीचे उतार कर दही मिलाएं ताकि ये फटे ना। और ये देखिए बिल्कुल नहीं फट रहा है क्योंकि आँच जो है बिल्कुल कम हो चुकी है, तेज़ आँच से इसे बिल्कुल ही नहीं मिलाना है। दही अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे हम अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, आंच को बढ़ा देते हैं और इसे अच्छे से पहले भूनते हैं। इसमें जब तक उबाल नहीं आता है तब तक कंटिन्यू इसे चलाते रहना है, चलाना बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया लग रहा है ना, कलर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और तेल भी धीरे धीरे सेपरेट होने लगा है। लेकिन इसे और हम आधा एक मिनट तक भून लेंगे। ये मसाला जो है अच्छे से भून चुका है, सब कुछ भून गया, मटर वटर जो भी है सब अच्छे से भून गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी चीनी, मतलब दही मैंने डाला है उसको बैलेंस करने के लिए। वैसे दही जो है ना बिल्कुल खट्टी नहीं है तो थोड़ा सा डाल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अदरक का लच्छा लिया है, इसे डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है तो इसको भी डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि अभी ये पकेगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। बस हो गया, हम ढक देते हैं ताकि ये जल्दी से उबल जाए। चलो ग्रेवी में उबाल आ गया है, ये देखिए। अब हम ये कर देंगे पनीर और काजू साथ साथ मिक्स कर लें। इसे डालेंगे एक चम्मच मटर पनीर मसाला, ये टोटली ऑप्शनल है, ऐसे भी काफ़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी, बस इससे थोड़ा सा फ्लेवर जो है अच्छा आता है इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ। इसे मिक्स कर देती हूँ, इसे ढक कर पकने देते हैं कम से कम इसे 10 मिनट तक हम लो फ्लेम पर पकने देंगे, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। 10 मिनट हो गया है, ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए
मटर पनीर बिल्कुल लाजवाब दिख रहा है। अब ये रेडी है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, धनिया पत्ता हो तो ज़रूर डालिएगा। इसे मिक्स कर देते हैं और ये जो तेज पत्ता है इसको हम निकाल कर हटा देते हैं। और ये दालचीनी का जो टुकड़ा है इसको भी हटा देंगे। चलिए इसे निकालते हैं। वाओ वाओ, मम्मी बहुत जबरदस्त लग रहा है। वाओ, ये देखो ग्रेवी, दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा, इसका फ्लेवर कितना जबरदस्त आ रहा है। अभी ही अभी तो थोड़ा बहुत इसमें बाकी है कुछ कुछ करना। वाओ अमेजिंग। वाओ, इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा, वाओ, थोड़ा सा अदरक का लच्छा। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम लाजवाब सा मटर पनीर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से ढाबा में बनाया जाता है, ये ढाबा स्टाइल मटर पनीर है। और भी कोई तरीका देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, और देखिए काफ़ी धुआं हो रहा है यहाँ पे, हवाएं चलने लगी हैं काफ़ी तेज़, बहुत मशक्क़त के बाद बना है। और इस मटर पनीर को आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल, नान, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।